जावेद भाई की मार्केट पे, और ये देखिए आदिल भाई बैठे हैं, सुफियान भाई बैठे हैं, और बड़ू भाई दोस्तों। और आज पतंग लड़ेगी। आपको बता दे, जावेद भाई और फैजान भाई की सालाना जो ईद के दूसरे दिन लड़नी थी वो पतंग आज लड़ेगी, और आज का ईद का दूसरा दिन है। और चलते हैं देखते हैं। अभी फिलहाल टिफिन, चूँकि हवा थोड़ी कम है इसकी वजह से पतंग अभी नहीं लड़ेगी, पतंग लड़ेगी जैसे ही हवा आएगी वैसे ही पतंग लड़ना स्टार्ट होगी। चलते हैं जावेद भाई की मार्केट पे, और उसके बाद चलेंगे कार्तिक भाई के घर पे। जावेद भाई की मार्केट पे, और ये देखिए आदिल भाई बैठे हैं, सुफियान भाई बैठे हैं, और बड़ू भाई, जैसे कि नाम तो सुना ही होगा बड़ू। और जावेद भाई, हमें जावेद भाई आज किसकी पतंग लड़ ली है? आज ये भाई हमारी सालाना पतंग लड़ रही है। किससे लड़ ली है? तारे। किससे लड़ ली आपकी? फैजान भाई है हमारे बालागंज काइट क्लब के। मैम तो भाई ये है बालागंज और दबंग की पतंग लड़ ली है। टीम दोनों एक ही हैं और टीम दोनों एक ही हैं, और बस ये है कि आपसी में पतंग लड़ ली है। यहाँ कोई ये नहीं कि 9, 8, 7 की गिनती हो। पतंगे देखिए, और ये देखिए बकायदा आदिल भाई सब टेपिंग कर करके रख रहे हैं। इतनी पतंगों की टेपिंग हो चुकी है, और ये देखिए भैया बहुत तेज गद्दा मारते हैं हमारे सुफियान भाई, और ये देखिए आदिल भाई। और बाकी नहीं आए क्या मेंबर अभी? बाकी हमारा एक मेंबर खाली काफी भारी हो आता है खाली, वो बस बच्चों का गद्दा जाता नहीं नीचे, खाली देश में रखे खत्म। नहीं कन्ने तो इनके कोई काट सकता है। आज कन्ने कोई काटेगा तो उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि कन्ने काटे कैसे जाते हैं। कन्ने आज रील के बने होंगे। चलिए भाई आज कन्नों का भी खौफ दिखा दिया जाएगा। तो अभी देखिए जैसे पतंग स्टार्ट होगी, हवा नहीं है जिसकी वजह से पतंग थोड़ा धीमे हुई। पतंग तो 11 बजे से लड़नी थी। हाँ नहीं वही चीज जावेद भाई कह रहे, लोग जो है नौ काटने के लिए नौ बचाने के लिए लड़ाते, और यहाँ दोनों टीम एक ही है और आपसी में लड़ रही है बस शौक करने के लिए, कम से कम उतनी खत्म हो जाए ताकि अगले दिन दूसरी आए जी। और जैसे ही हवा आती है तो छत पे चढ़ेंगे, आपको दोनों टीम का शौक दिखाएंगे, और बढ़िया बनेंगे। फैजान भाई आ गए हैं छत पे, हमारी छत पे लड़ेगी। और ये देखिए फैजान भाई ने एक से एक पतंगे बनवाई हैं। अब भाई ये नहीं पता भाई, और अशु भाई और उबैद हैं पतंग बना रहे टेपिंग। और ये देखिए सब बैग में भरी पड़ी हुई। ये देखिए अशु भाई ने टेपिंग करके हमें दे दी, और अभी पतंग लड़ेगी तो आपको पेज भी दिखाएंगे भाई। पुरवाई हवा चल रही, धूप बहुत तेज है जिसकी वजह से पेज दिखाने का दिल तो कर रहा है पर धूप की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। पतंगे उड़ गई है बकायदा, और फैजान भाई ने और अशू ने और अपोजिट पार्टी ने भी देखिए पतंगे छोड़ दिए, और बढ़िया शौक होगा आज सालाना। फैजान भाई और जावेद भाई की ये पतंग लड़ ली है। तो फैजान भाई इसमें कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं, प्यार मोहब्बत की पतंग, दोनों टीमें एक ही हैं, और बढ़िया सालाना लड़ लिया। पतंग भी सेम लड़ेगी, और दोनों ही टीम की पतंग भी सेम है। खाना का जो है पहला पेच है जो लेफ्ट साइड पतंग है वो है फैजान भाई की, और जो राइट साइड है वो है अपोनेंट पार्टी की, और देखते हैं सालाना का पहला पेच कौन काटता है। और राइट साइड जावेद भाई की टीम, और लेफ्ट साइड जो है फैजान भाई की टीम, और फैजान भाई पे लड़ा रहे, और देखते हैं पहला पेच कौन काटता है भाई। और गद्दा मार रहे हैं, और हवा कहीं कहीं है कहीं कहीं नहीं जिसकी वजह से फैजान भाई को पेज लड़ाने में दिक्कत हुई है, और खींच दिया, और ये देखिए रोक लिया, और बढ़िया पेज काटा अपोनेंट पार्टी ने। टीम दोनों एक ही हैं, और बढ़िया पेज काटा सालाना का पहला पेज, और कटे हमारे फैजान भाई। बहुत मेहनत कर ली थी, इतनी टेपिंग कर ली कि इनके हाथ भर चुके थे। अपोनेंट टीम की भी जो है चांद तारे हैं, और इधर भी चांद तारे हैं, और अपोनेंट ने एक पेज काट दिया, वशु भाई का पेज आया है, और अपोनेंट लगता शायद नहीं, अपोनेंट अलग पे लड़ा रहा है। पतंगे सब उड़ रही हैं सालाना। अरे पेज फैजान भाई आपने कितने काटे थे उस पतंग से? 3 पेज काट दिए थे। बढ़िया भाई वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि अभी लोग हैं कम, और पतंगे बहुत तेज़ लड़ रही हैं। देखो उबैद भाई लड़ाएंगे, अगर काटते हैं तो ये कंटिन्यू लड़ाएंगे, और कटते तो फिर लड़ाएंगे हम। और मार दिया, काट दिया भाई हमने, क्या कहा काट दिया, बहुत जानदार गद्दा मारा, हमें ऐसा लग नहीं रहा कि ये नीचे चढ़ाएंगे, आज ऊपरी से गद्दे मार देंगे। चलिए मिलते हैं। नहीं हमें नहीं चाहिए भाई नीचे का पेज, क्योंकि आज सालाना है, कहीं से कोई भी लड़ाई। बच्चे भी आ गए जो सामान लेने आते हैं भाई यहाँ, और ये सब लड़ाएंगे। ये देखिए सब लोग अपने लिए पतंगे निकाल रहे हैं, और निकाल लो भैया एक एक चौका निकाल लो, और ले लो एक एक चौका। ईद मुबारक सभी को।
बहुत बढ़िया काटा, बहुत बढ़िया। ऐसे पे लड़ा जाते बहुत बढ़िया। ये देखिए हमारे मोंटू भाई नीचे का पेल लाते हुए सालाना पतंग में चांतार, और अपोनेंट ने लिया है बहुत बढ़िया पेच काट दिया। अपोनेंट ने इनको फंसा लिया था, लेकिन बहुत ही अच्छा इन्हें बाहर झटकते हुए काट दिया मोंटू यूपी 32 ने। वो पतंग में हमसे सामान लेनी थी, जब ने लड़ाई थी समून जो पतंग में लड़ाई थी, सामान लेनी थी 10,000 ही। सालाना लड़ ली बस अपोजिट पार्टी, अभी थोड़ा सा पतंग धीमे उड़ा रही पता नहीं क्यों। फैजान भाई के भी हाथ में पतंग, अशू के भी हाथ में। हाँ की बार जाए पतंग, तीन हम लोग की लड़ गए तो 15 मिनट के लिए बैठ जाते फोन आ जाते, कटे तो पहले करने वाले ऐसा है। उसके बाद काट रहो, बढ़िया काटे रहो, बहुत अच्छी बात काटे सालाने में आपने। और ये देखिए सब बच्चे हैं जो हमारी दुकान पे सामान भी लेते हैं और शौक भी देख रहे हैं, बढ़िया शौक हो रहा है। कोई स्कोर नहीं ना, फेस दिखाएंगे आपको। हवा होती तो ठीक था, कार्तिक को फोन तो कर यार, ये सब क्या मचाया। नहीं भाई पूजा में गया हुआ है वो, अच्छा तो ये मेरे वाले देखा, पूरा घर मेरे वाले था, वो था नहीं वो ना, उसने पहले ही कह दिया भाई अच्छा जाओ भाई भाई। और समोसे, कोल्ड ड्रिंक, चाय पानी सब दिया। और ये देखिए पता नहीं नमक पाल नहीं मिल रहा क्यों। हां उसकी दुकान बन रही है फैजान भाई, एकल मंटू देख करके आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समोसे आ गए भाई, सब लोग समोसे खाओ। पता है हमारे भी हाथ में है, समुन के भी हाथ में है, अशु के भी हाथ में है, और फैजान भाई के भी हाथ में, और एक वो देखिए सल्लू के हाथ में, और उधर से पतंगी नहीं पेज पे आ पा रही है। ये लड़ रही है सालाना, अब पतंग उड़ के जा रही है। ये देखिए एक पतंग उड़ के जा रही है, अब ये हाल है। पांच उड़ी है इधर से, पांच उड़ी और उधर से एक उड़ के जा रही है। मत जावेद भाई क्या करा रहे हो यार, जल्दी आओ। अब जब वीडियो देखोगे तब तुमको समझ में, एक पतंग उड़ के जा रही है, देखो मैदान खाली है, एक आगे हो गई और एक ये पतंग हमसे कट गई थी, तो हमने अपनी पतंग अशू भाई को दे दी। तो अशू भाई ने अच्छे पेच काटे थे, 3-4 पर कट गई पतंग हम ही से। और देखिए सालाना है कैसे पतंगे उड़ गई। फैजान भाई हवा की वजह से थोड़ा सा सालाना में धीमे हो रहा है। और देखिए सल्लू चढ़ गए ऊपर, समुंदर है, उबायद मुंह छुपाते हैं जैसे इनके अम्मा पप्पा देख नहीं पाएंगे। ये उबायद है मरी माता मंदिर पर रहते हैं लकड़ी की ठेकी के पास, और ये अशू हैं, अशू ने बढ़िया पेच काटे थे और कट गए। ये देखो उबायद, अब पतंगे नहीं उड़ रही हैं उधर से, एक पतंग उड़ी है। ये देखिए पूरे मैदान में, छत पे हम ही लोग किए, सॉरी मैदान निकल गया, और हमारी देखिए नाच रही नीचे, और उधर से पतंग नहीं है, एक पतंग है यार भाई। क्या हुआ पतंग नहीं उधर से, एक पतंग नहीं। देखिए अशू चिल्ला रहे हैं, अशु ने इतनी मेहनत की है इसलिए उसको बुरा लग रहा है। चलिए मिलते हैं, लड़ा रहे बढ़िया पेज, और अपोनेंट ने 3-4 पेज हमने काटे पर अपोनेंट ने हमें काट दिया, और अशु जा रहे गद्दा मारने। कोई भाई इस पेज में गिनती विनती नहीं होनी, अशु की बढ़ है और गद्दा मारा है, अशु ने निकल के मार दिया यहाँ से और बढ़िया पेज काट दिया और कट गए भाई, बहुत बढ़िया पेज लड़ा रहे अगला, बहुत जानदार कटे हैं अशु की। पतंगे बनी हुई रखी हैं पर हम लोग फोन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बार बार पतंग उड़ा रहे, पाँच पाँच छः छः, और वो एक एक दो दो उड़ा रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं, और हम लोग ने कई बार फोन कर दिया। अब उधर से फोन आएगा तभी इधर से पतंग रील की छोड़ी जाएगी, एक फैजान भाई की उड़ी बस वही पतंग उड़ेगी, बाकी सब बैठे हैं पतंग तैयार कर करके। जुनैद भाई आ गए पर पतंग नहीं लगा रही, एक पतंग नहीं बजा। टाइम क्या शाम हो गई, 5 बजे आए हैं, देखो माशाल्लाह स्मार्ट कितने लग रहे हो। हम लोग का चेहरा देखिए कोड़ी पतंग नहीं उड़ा रहे, हम लोग जान के पतंग नहीं उड़ा रहे थे, क्योंकि अगली टीम वाला पतंग धीमे उड़ा रही थी कि वो फोन करे तो उन्होंने पतंग उड़ाए, पर हम लोग ने सीधे साथ छोड़ दी और हवा भी अच्छी आ गई।
ये वाला नहीं वो भरा वो भरे जो बन गए ओ ये मेरा फेंक आ गया भाई कर लो वो आ गया इधर ले रेंज आ गई जल्दी वील मार ले रेंज अली पकड़ ले जी नहीं भैया लड़ ली और देखियो समुन ने अच्छे पे छाटे उबाय लड़ा रहे कोचिंग कोचिंग छोड़ का कोचिंग का गोला मार के पतंग लड़ा रहे और ये देखिए कैसे पतंगे उड़ लिया ये देखिए साफ लाइन से पतंगे लगी हैं लिपटाने वालों को भी मजा आ जा रहा होगा एक से एक चांद वाली पतंगे मिल रही है लिपटाने को ये देखिए सब रखी हैं अच्छे देखिए और उधर भी रखी है पतंगे भाई दो पतंगे और भैया हमारी भारी कौन उड़ा रहा है क्या पेच काट दिए सात काटे हैं पर कलर पतंग है इसमें इसलिए कोई सालाना में ये सब गिनती नहीं होती है और देखिए पतंग की डोर आ रही है और ये देखिए पतंग पकड़ी जा रही है और ये देखिए ये पतंग पकड़ ली गई और उतार वे उतार लो और बढ़िया पेच काटे या जो है पतंग उबैद ने आठ काट दिए बढ़िया पेच पर आठ आठ कुछ नहीं होता है यार ऐसा कुछ नहीं आठ आठ नहीं है एको पेच नहीं काटे उबैद ने यहाँ पे ऐसा हुआ है कि सालाना लड़ ले तो सालाना में कोई गिनती नहीं और पतंगे देखिए मोंटू यूपी 32 की छत मरी माता मंदिर और बढ़िया पेच लड़ रहे हैं बहुत सारे पेच उबैद ने लगातार बहुत सारे पेच काट दिए मतलब बहुत सारे अब कितने काट दिए तो हम लेंगे नहीं वीडियो में आठ दस काट चुका है अरे बारह तो नहीं यार पर दस तो हो और बढ़िया पेच काट दिए और देखते हैं पेच उबैद पटेरे का और भाई ये कोचिंग वोचिंग नहीं जा रहा है ये पतंग उड़ा रहा है इसके सर का भी फोन आया अगर इसके अगर हटाओ और पेड़ लड़ रहा है चलिए पीछ पे सर आप जो भी जो है बहुत टावर के पास जो है उबैद की पतंग है लेफ्ट साइड जो है टावर की है सर का नाम क्या लेफ्ट साइड जो है टावर के पास उबैद की है और राइट साइड अपोनेंट की है उबैद ने कम से कम आधा घंटा बर्बाद कर दिया हम लोग का और ये देखिए पतंगे सब उड़ा के जा रहे हैं सालाना है ये और उबैद के सर का नाम है अलोन मैक्स अलोन बॉय हाँ और बढ़िया पेच काट दिया और उबैद यहाँ से रहने दो कोई नहीं चिल्लाओ नहीं पे लड़ लें दो चे पे लड़ो लेफ्ट साइड उबैद राइट साइड जावेद भाई की टीम दबंग और बालागंज और बढ़िया पेच काट दिया और ये भी पेच काट ही देगा ये ऊंचा लिया ये काट दिया खुद ही झटके मार के कट चुके हैं यहाँ पे भाई और पतंग इधर से चार ही पाँच लोग लड़ा रहे पर पेज पे पतंग है और उधर से पतंग नहीं आ पा रही भैया सालाना लड़ ली है ये हाल कर रहे हैं जावेद भाई आज पता नहीं क्या हो गया जावेद भाई को ये देखिए नहीं उड़ा रहे देखो बड़ू भाई उधर आ गए क्योंकि उनको मज़ा नहीं उधर मज़ा आ रहा था उधर मज़ा ही नहीं आ रहा है ये इधर आ गए देखो पापा भी आ गए बढ़िया पेज काट रहे हैं सभी लोग कोई गिनती की नहीं है पापा ने चार पेज काट दिया बढ़िया पतंगबाजी हो गई बंद पतंगे बहुत सारी बज गई हैं और आखिरी पे जो है लड़ा रहे हैं फैजान भाई अगर काट देते तो भी आखिरी और कट जाएंगे तो भी आखिरी है फैजान भाई हैं और पतंग इंड है भाई वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हवा ही नहीं थी हवा होती तो वीडियो बनाने में मज़ा भी आता हवा इधर उधर घूम रही थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बनाई और फैजान भाई का आखिरी पेच है फैजान भाई ढीला ढीला एकदम छोड़ रहे हैं और वो देखो उसने खाली तेज़ थपथपा दिया बढ़िया पेच काट दिया और यहीं से पतंगबाजी बंद।